हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए पेटीएम मनी ऐप पर बहुत ही खास फीचर है, क्योंकि आई थिंक किसी भी अदर ऐप्स के ऊपर नहीं अवेलेबल है। अगर कहीं और अवेलेबल भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस फीचर का नाम है हीट मैप्स। हीट मैप एक ऐसा मैप है जहां से आपको पता लगता है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रखी है, ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रखी है, और निफ्टी की या फिर बैंक निफ्टी की कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जिसके कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन को ज्यादा बाय या फिर सेल किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर पता लग जाती हैं पेटीएम मनी के हीट मैप फीचर में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं पेटीएम मनी के हीट मैप फीचर को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हम आ गए हैं अपने पेटीएम मनी ऐप के ऊपर। यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा FNO डैशबोर्ड का ऑप्शन डायरेक्टली। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट और फीचर एंड ऑप्शंस का डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन नया देखने को मिल रहा है हीट मैप्स का। हीट मैप्स बहुत ही यूज़फुल फीचर है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे व्यू मोर के ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता लग सके। सो गाइस, यहाँ पर आपको हीट मैप देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इंडेक्स का, इंडेक्स में आप निफ्टी 50 का देख सकते हैं, फिर निफ्टी बैंक का देख सकते हैं यानी कि बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तीनों का ही आप यहाँ पर हीट मैप देख सकते हैं। फिर अगर आप सेक्टर का देखना चाहें तो सेक्टर का देख सकते हैं हीट मैप, और फिर उसके बाद आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं जो कि सभी ऐप्स में आपको कॉमन देखने को मिलता है। बट ये इंडेक्स का जो हीट मैप है या फिर जो सेक्टर का हीट मैप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद पेटीएम मनी के अलावा आई डोंट थिंक सो किसी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है। एक आपको ये देखिए ग्रीन देखने को मिलता है, एक ये ब्लू देखने को मिलता है, फिर नीचे आएंगे तो आपको रेड देखने को मिलता है, और एक और कलर होता है जो कि होता है येलो कलर का, जो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए इनके मीनिंग समझते हैं। तो इन सब का मीनिंग समझने के लिए आप नीचे की तरफ राइट हैंड कॉर्नर में देखिए एक आई बटन दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इनका मीनिंग समझ सकते हैं। ग्रीन कलर है आपका LBU का। तो LBU का मीनिंग क्या है, देखिए LBU का मतलब है लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि जिन जिन स्टॉक्स के ऊपर आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है तो उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रखा है, यानी कि ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और उस शेयर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। और किसी स्टॉक के ऊपर आपको लाल देखने को मिलता है यानी कि SBU, तो SBU का मीनिंग है शॉर्ट बिल्डअप। तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब यह है कि उसमें बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा और उस स्टॉक के अंदर लोग शॉर्ट पोजीशन अपनी क्रिएट कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स के ऊपर आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है यानी कि जिसे कहेंगे हम SC का मतलब है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि उन स्टॉक्स में पहले तो बेयरिश इफेक्ट था, यानी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शेयर पहले नीचे जाएगा, बट अभी उसमें चेंजेस हो जाते हैं, अब वो बेयरिश व्यू से बुलिश व्यू में आ जाता है, तो इसीलिए लोग वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, यानी कि जो पोजीशन उन्होंने पहले से शॉर्ट कर रखी है उसको लोग अब स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो SC वाले स्टॉक आपको डिनोट करेंगे कि उनमें पहले बेयरिश व्यू था बट अभी धीरे धीरे वहाँ पर बुलिश व्यू बनता दिख रहा है। इसके बाद चौथा कलर है आपका येलो कलर का, जो कि यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, बट इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। LU का मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि उस स्टॉक के अंदर पहले लॉन्ग पोजीशन लोगों ने बिल्ड कर रखी थी बट अभी ये देखा जाएगा कि उस स्टॉक का प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुका है, इसीलिए लोगों ने जो लॉन्ग पोजीशन अपनी बिल्ड कर रखी थी या लोगों ने जो बाय कर रखा था, अब लोग उसको सेल करना शुरू कर रहे हैं और अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो LU डिनोट करता है SC का बिल्कुल अपोजिट, जहां पर जो व्यू है वो बुलिशनेस से एक बियरिशनेस में चेंज होता है। तो दोस्तों, ये था सभी कलर्स का मीनिंग। अभी आप देख सकते हैं इंडेक्स में निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक है उनमें किसमें लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन है, किसमें शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बुलिश व्यू दिखा रखा है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ग्रीन है। फिर सन फार्मा देख सकते हैं, टाटा स्टील देख सकते हैं, ये सारे स्टॉक्स में लोगों ने अभी भी यहाँ पर बुलिश व्यू दिखा रखा है। फिर नीचे आएंगे आप देख सकते हैं रेड वाला भी है, जैसे कि इन्फोसिस में है, मारुति में है, रिलायंस में है, श्री सीमेंट में है, नेस्ले इंडिया में है और ग्रासिम में है। इन स्टॉक्स के अंदर लोगों ने बेयरिश व्यू दिखा रखा है और इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रखी है। और जो ये ब्लू वाले हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, HCL टेक, ONGC, JSW स्टील, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी शॉर्ट पोजीशन थी उन्हें लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और अपने व्यू को बेयरिशनेस से बुलिशनेस में चेंज कर रहे हैं। अभी अगर आप निफ्टी बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स होते हैं आप उनमें देख सकते हैं किसमें ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन हो रही है, किसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर किसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है। अभी अगर आप सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेक्टर वाइज देख पाएंगे उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रखी है, जिनमें शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रखी है या फिर किसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, किसमें लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो रही है। जैसे कि ऑटो सेक्टर का आप देख पाएंगे, बैंकिंग का देख पाएंगे, सीमेंट का देख पाएंगे, कंज्यूमर का देख पाएंगे, एनर्जी, फाइनेंस, इंफ्रा, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU, PSU बैंक, रियलिटी, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी।
तो अलग अलग सेक्टर का जो एनालिसिस है वो आपको बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पर हीट मैप के अंदर देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम क्लिक करते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे, तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे हमें देखने को मिलता है कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ओपन इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमने निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है, सितंबर 22 की हमारी एक्सपायरी है, जो नियरेस्ट एक्सपायरी डेट होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है ये। दोस्तों कैसा लगा आपको ये फीचर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपका पेटीएम मनी पे अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना पेटीएम मनी पे डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।